तो यहाँ पर Redmi Note 11 डिवाइस के लिए पैरानॉइड एंड्रॉयड अल्फा 1 का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है एंड्रॉयड 14 के साथ। तो यहाँ पर हमने Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 14 को इंस्टॉल किया है एंड यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर एंड्रॉयड 14 के साथ क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है प्लस परफॉर्मेंस बैटरी बैकअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर 5th October 2023 का जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 4.19 कर्नेल के साथ एंड पैरानॉइड एंड्रॉयड अल्फा 1 का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके स्टॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो अपडेट है तो एंड्रॉयड 14 के साथ अवेलेबल है Redmi Note 11 डिवाइस के लिए एंड ये जो बिल्ड है तो अनऑफिशियल बिल्ड है, इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो एनिमेशन है काफी स्मूथ है पर जो स्कॉलिंग एनिमेशन इसे स्मूथ किया गया है पर स्कॉलिंग एनिमेशन के साथ कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है काफी स्मूथ है। यहाँ पर स्कॉलिंग एनिमेशन प्लस ऐप ओपनिंग एनिमेशन के साथ जो है पर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा प्लस क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, स्कॉलिंग के टाइम भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा एंड इस रॉम को हम जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वॉल्टी काम कर जाएगा, मोबाइल डाटा काम कर रहा है, 4G यहाँ पर काम कर रहा है प्लस वो वाईफाई भी काम कर जाएगा। यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ के साथ कोई भी इशू नहीं है, हॉटस्पॉट एंड वाईफाई को आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है प्लस यहाँ पर जो है नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डार्क मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड कुछ इस तरह से पावर मेनू के साथ जो है अभी फिलहाल लाइट थीम अवेलेबल है। होम स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से जो है थीम आइकॉन देखने को मिलेगा, यहाँ पर विजेट्स का जो ऑप्शन से काम कर रहा है एंड यहाँ पर लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम करेगा। कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। ऐप ड्रॉइड की अगर बात करें तो इस तरह से सभी जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है ऐप ड्रॉइड के साथ। यहाँ पर FM रेडियो अवेलेबल है, आप सिंपली यहाँ पर जो है हेडफोन को कनेक्ट करके FM रेडियो को यूज कर सकते हो। प्ले स्टोर को भी ऐड किया गया है, आपको अलग से जो है प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। कैमरा टू एपिक की अगर बात करें लेवल 3 का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा, गूगल कैमरा यहाँ पर काम कर जाएगा, GCam Go के साथ जो है पोर्ट्रेट मोड फोटो वीडियो मोड का जो ऑप्शन से काम करेगा। रिसेंटली हमने गूगल कैमरा 9.1 का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, GCam का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है उसे भी रन किया था। यहाँ पर जो है 3DMark के साथ वाइल्ड लैब के साथ 448 का जो है स्कोर है देखने को मिल गया है। Geekbench 5.5.1 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 388, मल्टी कोर के साथ जो है 1508 का जो है स्कोर है देखने को मिलता है एंड यहाँ पर Geekbench 6.2.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 405, मल्टी कोर के साथ जो है 1369 का जो है स्कोर है देखने को मिल गया है एंड यहाँ पर बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेपरेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम करेगा एंड लगभग 5 मिनट के लिए CPU थॉटलिंग टेस्ट को हमने यहाँ पर रन किया था। मैक्स गया है 179, एवरेज है 171, मिनिमम है 159, यहाँ पर 94% का जो CPU थॉटल देखने को मिल गया है। मैक्स CPU गया है 2.40 GHz तक, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो जो परफॉर्मेंस है सच में काफी बढ़िया है। यहाँ पर CPU थॉटलिंग के ऊपर काफी कम जो है डिवाइस थ्रॉटल होगा प्लस यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट सेपरेट भी पास हो जाएगा प्लस Geekbench 5 Geekbench 6.2.0 के साथ भी काफी बढ़िया स्कोर देखने को मिलता है, इवन 3DMark के साथ भी स्कोर काफी बढ़िया है। तो डेफिनेटली एंड्रॉयड 14 के साथ भी यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ जो है कोई भी कमी नहीं है, परफॉर्मेंस के साथ भी यहाँ पर डेफिनेटली जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर ओवरऑल जो रैम मैनेजमेंट है रैम मैनेजमेंट के साथ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेफिनेटली जो है MIUI 14 से आपको ज़्यादा अच्छा रैम मैनेजमेंट एंड्रॉयड 14 पैरानॉइड एंड्रॉयड के साथ देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर एंड प्लस जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है काफ़ी स्मूथ है एंड यहाँ पर जो है फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है पर अवेलेबल नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा तो सिंपली यहाँ पर जो है टैप किया ओपन हो गया, यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो है यहाँ पर काम कर जाएगा तो यहाँ पर काफ़ी फास्ट जो है डिवाइस जो है अनलॉक हो जाएगा।
एंड ओवरऑल जो है यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है वॉलपेपर स्टाइल के साथ जो है इस तरह से इस भी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है पैरानॉइड एंड्रॉयड के साथ जो है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, वॉलपेपर कलर, अदर कलर का ऑप्शन है, डार्क मोड का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पर लेफ्ट शॉर्टकट राइट शॉर्टकट को सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, लिप टू चेक फोन का ऑप्शन है, यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, एंड यहाँ पर फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, आइकॉन पैक को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड वे बात कर लेते हैं पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर जो है थर्मल पोवल का ऑप्शन है, सरस भर के साथ जो है बैटरी परसेंटेज को एनेबल कर सकते हो, एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है परफॉर्मेंस मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। हमने जो बेंचमार्किंग रिजल्ट आपको शो किया था, हमने परफॉर्मेंस मोड को एनेबल करके यहाँ पर जो है बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को रन किया था। बाकी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है सच में काफी बढ़िया है। डेफिनेटली यहाँ पर जो है अगर आप एक हैवी यूजर हो तो आपको यहाँ पर 6 आवर से 7 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। बैटरी ड्रेन भी काफी कम देखने को मिलेगा, लगभग जो है ओवरनाइट 2% से 3% के आसपास जो है पर आइडियल बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा ओवरनाइट, जो कि सच में काफी बढ़िया है। बैटरी बैकअप बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा अगर आप परफॉर्मेंस मोड को एनेबल करके यूज करोगे। हमने जो है परफॉर्मेंस मोड को एनेबल करके इस रॉम को यूज किया है, एंड डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है सच में काफी बढ़िया देखने को मिल गया है। नोटिफिकेशन के साथ जो है एनहांस नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन का ऑप्शन है, एंड इस तरह से यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ जो है डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद स्पीकर में जो भी डस्ट आएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है क्लीन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, रिंग वाइब्रेशन नोटिफिकेशन वाइब्रेशन टच फीडबैक का ऑप्शन है, स्मार्ट पॉज का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, यहाँ पर लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर हाई ब्राइटनेस मोड का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। तो ये जो फीचर से काफी यूजफुल फीचर है, आप जो है यहाँ पर हाई ब्राइटनेस मोड की यूज कर सकते हो। डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है डबल टैप करते डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है हमने डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है इसे एनेबल कर दिया है। उसके बाद जो है देख सकते हो हमने यहाँ पर डबल टैप कर रहे हैं बट डिस्प्ले जो है ओपन नहीं हो रहा है, शायद इसके साथ कोई इशू है। तो यहाँ पर डीसी डिमिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, स्मूथ डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नाइट लाइट का ऑप्शन है, डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, एंड शेड्यूल डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस लो ब्राइटनेस के साथ भी कोई भी इशू नहीं है। ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। एक्सेसिबिलिटी के साथ जो एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, प्लस डिस्प्ले साइज टिक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, लाइव कैप्शन, ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन से काम करता है, एंड यहाँ पर लोकेशन के साथ भी कोई भी इशू नहीं है। प्लस सिस्टम के साथ जो है यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन है, ऐप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड्रॉयड 14 का सभी जो फीचर्स है यहाँ पर अवेलेबल है। तो एज रॉम है तो यहाँ पर AOSP रॉम के ऊपर बेसिकली तैयार किया गया है, एंड यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल प्रेस करते ही कैमरा एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है 2-बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, 3-बटन नेविगेशन गेस्चर्स नेविगेशन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, एंड 100 मोड को ऐड किया गया है। 100 मोड का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद नेविगेशन बार में सिंपली स्वाइप डाउन करके आप जो है 100 मोड को एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन 100 मोड का शॉर्टकट का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर लिप टू चेक फोन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, सिंपली गेस्चर्स के साथ जो आप स्क्रीनशॉट को क्लिक कर पाओगे इसे भी ऐड किया गया है। तो इस तरह से ये सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है, एंड यहाँ पर जीकैम काम कट जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट मोबाइल डाटा ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम करते हैं, पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी काफी स्मूथ है,
एंड्रॉयड 14 के साथ सभी जो फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 14 के साथ पैरानॉइड एंड्रॉयड अल्फा 1 का जो बिल्ड है इसे ट्राई करके देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आप इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो आप सिंपली Redmi Note 11 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके इस रॉम का जो इंस्टॉलेशन वीडियो से आप चेकआउट करके देख सकते हो। उस वीडियो में हमने जो है स्टेप बाय स्टेप Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर पैरानॉइड एंड्रॉयड के साथ एंड्रॉयड 14 को इंस्टॉल किया है। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। एंड जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है आप जरूर से चेकआउट करके देखना। चलो बाय बाय।